हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची रामदेव एंड आज मैं कुछ ग्लास आर्ट बनाए जा रही हूँ। तो मैं आप सबको वो निर्माण आर्ट एकेडमी के थ्रू दिखाने चाहूँगी, तो आप प्लीज़ उसमें विजिट करें, वो साइट को चेक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो गाइज, देखिए आप, ये बॉटल पूरी तरह सूख चुकी है। अब हम इसमें कलर करने जा रहे हैं। तो हमें 3 कलर की चाहिए पड़ेगी ज़रूरत। आप कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आपके थ्रू होगा, बट वाइट तो कंपलसरी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाली उंगली को डिप करेंगे कलर में, वाइट कलर में। देन हम इसको ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना सकते हैं, बट वो सूटेड होना चाहिए और सारे डिजाइन सेम होने चाहिए। सो देखिए गाइस, ये मेरा व्हाइट का जितना भी मुझे फूल का डेकोरेशन करना था मैंने सब कर दिया, ये व्हाइट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इस पे पत्तियां बनाऊंगी और वाइट के साथ 2-3 कलर ऐड करूंगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरी पेंटिंग का एंडिंग ही चल रहा है, सो मैं क्यों ना कुछ सजा दिया जाए। तो मेरे पास थोड़े बहुत कांच रखे थे, लास्ट टाइम में मैंने यूज़ किए थे, यूज़ नहीं भी किए थे फिर भी रखे थे, तो मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। है ना कि जब चीज बनी रही है तो उसको क्यों ना अच्छे से सजा दिया जाए। तो बस आप फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, आप ग्लू गम भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें ये चीज़ फैलनी नहीं चाहिए, आप जो चीज़ करो वो अटैच हो जाए ऐसे। अब बड़े फूल के साथ बड़ा कांच यूज़ कर सकते हैं, आप छोटे फूल के साथ छोटा कांच यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास चीज़ हो और जैसा आपको सही लगे। मैं फोर्स नहीं करती किसी को कि आप मेरे जैसे ही करें, क्योंकि एक चीज़ दो बार हो नहीं हो सकती, तो हर बार नई ही चीज़ें आती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। ये मेरा लास्ट में हो चुका है। अब मैं ये ऊपर के 2 फ्लावर में मिडिल साइज के कलर का देखिए, रस्सी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी। बहुत देर, मतलब बहुत टाइम लगा, बट इतना भी टाइम नहीं लगा, बस सूखने में टाइम लगता है इसको। तो ये जैसी भी लग रही है आपको, आप सजेशन भी दे सकते हैं, आप अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है, आप इसको हॉल में भी रख सकते हो, आप अपने रूम में भी रख सकते हो, फ्लावर भी ऐड कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।